News 18, India. यही वजह है कि देश में चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी संस्था यानी चुनाव आयोग, वो भी कहता है कि कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हर चुनाव, हर वोटर जाति की नजरों से देखा जाता है। आप कह सकते हैं कि भारत में चुनाव ऐसे ही होते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लोकतंत्र में इसी बुराई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जाति बुराई नहीं है, लेकिन जाति का बेजा इस्तेमाल जो किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, वो सबसे बड़ी बुराई है। यही वजह है कि आज से 3 महीने पहले 30 नवंबर को उन्होंने देश में सामने 4 नई जातियों की बात रखी थी। और वो कौन सी 4 जातियां थी? मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां है। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। पीएम ने 4 जातियों का जिक्र किया, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। ये वो जातियां हैं जो आपको हर धर्म में मिल जाएगी, हर मजहब में मिल जाएगी, हर घर में मिल जाएगी। चाहे गरीब हो कि अमीर हो, चाहे दक्षिण हो कि उत्तर हो, गरीब, युवा, महिला और किसान ये आपको मिल ही जाएंगे। और इनके ही उत्थान से देश का उत्थान होगा। पीएम मोदी उसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सदियों से कोई तोड़ नहीं पाया है। मोदी सरकार ने जिन योजनाओं को डिजाइन किया है, जैसे जनधन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, गरीबों को घर देने की स्कीम, किसी में जाति या धर्म देखकर आप मुझे बताइए क्या लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये योजनाएं पूरे देश में चल रही है और क्या इसका फायदा किसी एक जाति को मिल रहा है, एक मजहब को मिल रहा है या एक क्षेत्र के आदमी को मिल रहा है? कुल मिलाकर विकास और लाभार्थी, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जिस वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसे एक छोटी सी मिसाल के तौर पर आपके सामने रख रही हूं। आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं, बहुत ध्यान से देखिए। एक 2014 से पहले के काशी की तस्वीर है और एक 2024 के बनारस की यानी काशी की तस्वीर है। अब और तब का बनारस आप देखिए कितना बदल गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आप मुझे एक बात बताइए, एक प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र में 5 सालों में कितनी मर्तबा जाना चाहिए? 5 बार, 10 बार, 15 बार? लेकिन रिकॉर्ड पता है आपको क्या बताता है? ये शख्स पिछले 10 सालों में 43 बार काशी पहुंचा। क्या वो काशी इसलिए गए कि वो ओबीसी है, या फिर काशी में ओबीसी की तादाद ज्यादा है? आप पूरे देश की तस्वीर देख लीजिए, दलित और ओबीसी पूरे देश में 69% है वोट उनका। मंडल आयोग के मुताबिक इनमें ओबीसी 52% है, दलित 16% से ज्यादा है, 16.6%। अब चुनावी राजनीति के हिसाब से यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और यही वजह है ये ओबीसी, दलित, जात पात की राजनीति किसी से छूट नहीं रही है। लेकिन ओबीसी और दलित वोट अलग अलग राज्यों में कैसे बटा हुआ है, उसे कैसे पूरा करने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से, उनके बयानों से समझ जाएंगे आप। जाति वाली राजनीति ये लग रहा है विपक्ष को कि अच्छा खासा फायदा पहुंचा सकती है। 69% में से कुछ हिस्सा भी अगर आता है तो कई प्रदेशों में कांग्रेस की किस्मत बदल सकती है। अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मायावती की पार्टी बीएसपी का ग्राफ जब से गिरा है, दलितों को भी रिझाने की बहुत कोशिश हुई है। ऐसी कोशिश बहुत से दल कर रहे हैं। कांग्रेस को डर है कि गैर जाटव वोटर अगर बीजेपी की तरफ बढ़ने लगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और यही वजह है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने पर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री
मामला सिर्फ जाति वाली पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है ना। राहुल गांधी तो अपने बड़बोलेपन की वजह से मोदी को और ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं, मोदी के टारगेट पर भी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था याद है ना, वाराणसी के नौजवान नशे में डूबे हुए हैं। आज राहुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में जवाब दिया।